मानता हूं इस बात को कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर राव साहब को सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की नजर से या हैसियत से देखते या इज्जत या एहतराम नहीं करते, बल्कि मैं यह कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर की शख्सियत उनके लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टीआरएस साहब का साथ देकर के हिंदुस्तान में एक बदल के तौर पर पेश किया है। जिस तरह पिछले दिनों में 5 असेंबली इलेक्शन हुए तो आपने देखा होगा कि धूल चाट गई, बीजेपी भी यहाँ, कांग्रेस भी यहाँ, और यकीन है कि एक अच्छे बदल के तौर पर तेलंगाना मॉडल उभर कर सामने आया है। लोगों ने कांग्रेस को भी आजमाया है, धोखा खाया है, और बीजेपी से तो मुसलसल लोग धोखा खा रहे हैं, फ्रॉड का शिकार हो। तो एक मौका मिलना चाहिए कि तेलंगाना मॉडल को इस वक्त पूरे राष्ट्र को, पूरे कौमी सतह पर लोगों को कबूल करना चाहिए, और इसमें दलितों की भी भलाई है, नौजवानों की भी भलाई है, रोज़गार के तलाश करने वालों की भलाई है। चूँकि शहर हैदराबाद और तेलंगाना ने जो सबूत दिया है, किसानों के मसाइल को जिस तरह से हल किया है, बेटियों की शादी, गरीब बेटियों की शादी के लिए जैसे शादी मुबारक प्रोग्राम है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं इसकी नज़ीर नहीं मिलती। किसानों को एक एकड़ की खेती पर 8,000 रुपये पेशगी दी जा रही है, जिसको अभी 10,000 का ऐलान किया गया, पूरे हिंदुस्तान में इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। दूसरे सूबे में किसान कर्ज के मारे खुदकुशी कर रहे हैं। तो किसानों के लिए राहत का काम है, नौजवानों के लिए रोज़गार का काम है, और एक बड़ी चीज़ जो ये है कि पूरे तेलंगाना में अमनो अमान है, भाईचारगी है, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं, भले गंगा और जमुना यहाँ नहीं हो, लेकिन गंगा जमुना जिस इलाके में बहता है वहाँ नफरत और गंगा जमुनी तहजीब का पूरा दर्शन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए इस मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मॉडल के लिए मुबारकबाद के मुश्तक हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और टीआरएस साहब भी, कि इन्होंने मिलकर जिस तरह से काम किया है, इनको आगे काम करना चाहिए, और पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है इस तरह इस मॉडल की, इसको आगे बढ़ाना चाहिए।